मंगल मैत्री आप सभी को कैसे हैं, आपसे भाषा करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। तो आज के हमारे प्रकरण का नाम है समास। इसे कहते हैं समास। समास शब्दों के समूह को छोटा करने की एक प्रक्रिया है, यानी कई शब्द अगर कहीं पर हैं तो हम वहां पर समास का प्रयोग करके उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द समूहों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है बेटा, समास दो पदों से मिलकर बना होता है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जो हम इसके भेद पढ़ेंगे वो सारे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सारे भेदों में हम इसके क्या करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद की सहायता से पढ़ेंगे। तो पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास जो बनता है वो दो शब्दों से बनता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या हुआ पूर्व पद और दिन क्या हुआ उत्तर पद। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये हम इसको पढ़ते हैं। तो प्रतिदिन, प्रति पूर्व पद और दिन उत्तर पद। तो दो पदों से मिलकर क्या बना, इनसे प्रतिदिन जो शब्द बना वो क्या बना हमारा समास। और समास को जो ये बना दोनों पदों से जोड़कर शब्द, इसको कहते हैं समस्त पद। समस्त पद यानी दोनों पदों से मिलकर जो बनता है वो समास कहलाता है और समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम प्रति अलग कर दे, दिन अलग कर दे, तो ये क्या हो गया समास विग्रह। और प्रतिदिन अगर एक साथ आ गया तो ये हुआ समस्त पद या समास। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं समास के भेद। समास के छह भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। छह भेद होते हैं समास के। सबसे पहले अव्ययीभाव समास करते हैं। जहां पहला पद, पहला शब्द अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिदिन में, प्रति शब्द क्या है अव्यय है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जहां लिंग वचन कारक काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो जहां पहला पद पहला शब्द अव्यय होता है वो क्या होता है अव्यय भाव समास। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी हमारा दूसरा शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। और हम इसमें आठ के आठ कारक चिन्हों से इसका विग्रह करते हैं। जब हम तत्पुरुष समास को पहचानते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो हमारे पहचानने का एक वो है, तो वो स्रोत जो है वो है कारक चिन्ह, यानी आठ के आठ कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम तत्पुरुष समास का विग्रह और समस्त पद बनाते हैं। तीसरा क्या है बेटा हमारा कर्मधारय समास। जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण क्या होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, और विशेष्य जो बताता है विशेषता वो विशेष्य कहलाता है। तो जहां विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वो क्या होता है कर्मधारय समास। देखिए, जैसे महादेव, महान है जो देव, महान क्या है इसकी, महादेव में महान क्या है विशेषता और देव क्या है विशेष्य। तो जहां विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जाता है वो कर्मधारय समास होता है। चौथे पर चलते हैं द्विगु समास। जहां संख्यावाची शब्द आते हैं, देखिए सबसे आसान समास माना जाता है ये, चौराहा, तिराहा, चारपाई, नवरात्रि, तो ये जहां संख्यावाचक शब्द आते हैं वो द्विगु समास कहलाता है और ये सबसे आसान समास होता है। ठीक है बेटा, जैसे और इसका विग्रह कैसे करते हैं, जैसे चौराहा चार राहों का समूह, यानी चार राहें जहां से निकलती है वो क्या कहलाता है चौराहा। अगले पर आते हैं द्वंद्व समास। जहां दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन, रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है, यानी पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, तो वो क्या होता है द्वंद्व समास। ये भी आसान है, थोड़ा सा आप अव्ययीभाव और तत्पुरुष में थोड़ी सी कठिनाई आती है वो भी आप समझ गए होंगे। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर पहला भी और दूसरा भी, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास, यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता और तीसरा जो पद मिलता है, यानी जो अंतिम शब्द जो दोनों पदों को मिलाकर शब्द बनता है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, तो कौन है वो रावण, तो यहाँ रावण क्या बना प्रधान पद बना। तो जो भी इसको दोनों
हमेशा संज्ञा ही आता है। इसकी जो पहचान है बहुव्रीहि समास की वो यह है कि दोनों पदों को मिलाकर जो भी शब्द आता है वो क्या आता है, संज्ञा शब्द। तो इस प्रकार हमारे 6 के 6 समास पूरे हुए। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।